आजम खान, पत्नी तंजीम खान और बेटों समेत 13 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय की जमीनों से जुड़े 28 मुकदमों में SIT ने जांच पूरी कर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सांसद आजम खान और उनके दोनों बेटों आदिम और अब्दुल्ला समेत 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इसमें आजम खान की बहन समेत जौहर ट्रस्ट के सभी सदस्य और पदाधिकारी पर चार्ज लगाए गए हैं। सपा सरकार में जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। उस वक्त आजम खान ने दावा किया था कि किसानों की जमीन खरीदी गई है, लेकिन एक वर्ष पूर्व 26 किसानों ने मुकदमा दर्ज करा दिया था। सपा के शासनकाल में उनकी जमीन जबरन यूनिवर्सिटी में मिला दी थी। इसके बाद जांच IT को सौंप दी गई है। आज रामपुर पुलिस ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में जो किसानों की जमीनें ली गई थी उससे संबंधित मुकदमों में 27 मुकदमों में आरोप पत्र प्रेषित किया है। ये आरोप पत्र जौहर विश्वविद्यालय के जो ट्रस्टी लोग हैं उन 9 लोगों के खिलाफ आज माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है। इनमें मुख्य रूप से श्रीमती तंजीम फातिमा, श्री नसीर अहमद जो कि दोनों विधानसभा के सदस्य हैं, अब्दुल्ला आजम खां, उनके भाई अदीब आजम खां और कुछ अन्य लोग हैं। इस तरह से 9 लोगों के खिलाफ 27 मुकदमों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है। एक मुकदमा जिसमें कोतवाली पुलिस ने भी आरोप पत्र प्रेषित किया है 4 लोगों के खिलाफ, उसमें उन्होंने नगर पालिका से कुछ दस्तावेजों में हेराफेरी करके प्रमाण पत्र कहीं प्रस्तुत किया था, उस आधार पर कायम था, उसमें भी साक्ष्य के आधार पर 4 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। इस तरह से आज 28 मामलों में माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।